नेवी चीफ बनने के बाद हरि कुमार ने छुए माँ के पैर और लिया आशीर्वाद। देश के नए नेवी चीफ के इस अंदाज ने सभी का जीत लिया दिल। माँ भले ही एक छोटा सा शब्द हो, लेकिन ये एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसके बारे में शब्दों में बयां करना बेहद कठिन है। माँ का स्वरूप ही ऐसा होता है जिसके सामने इंसान तो क्या, भगवान का सिर भी झुक जाता है। और इस बात को साबित किया है देश के नए नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने। दरअसल आर हरि कुमार ने 30 नवंबर को भारतीय नौसेना की कमान अपने हाथों में ली। वो नेवी के नए चीफ बने, लेकिन कार्यभार संभालने के उनके अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने देश की सभी माओं का सीना फक्र से ऊंचा कर दिया। इतना ही नहीं, नए नेवी चीफ की भाव भंगिमा ने देश के तमाम लाडलों को भी बड़ा मैसेज दे डाला कि माँ का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा है। जी हाँ, आधुनिकता के इस दौर में एक ओर जहाँ लोग संस्कारों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो वहीं हरि कुमार ने इन्हें आगे बढ़ाते हुए एक मिसाल पेश की है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बड़े समारोह में नौसेना की बागडोर संभालने के तुरंत बाद हरि कुमार सबसे पहले अपनी माँ के पास गए। माँ के पास जाकर वो झुके और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतना नहीं, फिर काफी देर तक उन्हें अपने गले से लगा कर रखा। भावुक कर देने वाली इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो एक तक निहारता रह गया। माँ बेटे का प्यार देखते ही बन रहा था। बेटा अगर माँ के पैर छुए तो उसके कई मायने होते हैं। ये न सिर्फ भारतीय मूल्यों की तरफ हरि कुमार के झुकाव को दिखाता है, इससे उनकी परवरिश और संस्कारों का भी पता चलता है। ये दिखाता है कि हमारे देश में माँ का स्थान कहाँ और कितना ऊँचा है। साथ ही ये संदेश भी देता है कि बेटा कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जगह माँ के पैरों में ही होती है। इंडिया न्यूज़ बादल की रिपोर्ट।